हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यूज इट टू शो दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द वी नॉट वर्सेज म्यू ग्राफ। ओके, सो इस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है आइंस्टीन्स का, उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाइ। यहाँ पे ये जो ई के है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। एच जो है हमारा वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो म्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये फाइ जो है वो वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो रिलेटेड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी। तो हम लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट, ओके, एंड ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वाई, ठीक है। अब अगर हम इसे रीअरेंज करें वी नॉट के लिए तो होगा वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई इंटू म्यू माइनस फाई अपॉन ई, ठीक है। ये इक्वेशन शो कर रहा है दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो एच अपॉन ई से शो होगा, ठीक है, जैसा पूछा गया था वी नॉट वर्सेस म्यू का ग्राफ, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट होगा ऑन द वी नॉट एक्सिस वो होगा माइनस फाइ अपॉन ई, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द वी नॉट वर्सेस वी ग्राफ हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द वी नॉट वर्सेस म्यू प्लॉट इज एच अपॉन ई, ठीक है। अगर हम मेजर करेंगे स्लोप को तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच जो निकल के आएगा वो होगा एच इज इक्वल्स टू ई इंटू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस म्यू का कर्व, ठीक है। सो दस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ये हम लिख सकते हैं।
फ्रॉम द डिटरमाइंड स्लोप. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.